बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 6 मार्च 2023 बारोज पीर है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन है और खुशी की खबर यह है कि डॉलर 3 रुपये आज और डाउन हो गया है। पहले तो बताऊंगा कि शॉप अंदर का जो टेम्परेचर है वो 21 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा रहा है, लेकिन डॉलर का दर्जा हरारत मुसलसल कमी में है। आपको याद हो तो डॉलर 285-290 पे इंटरबैंक गया और फिर डॉलर 278 पे आ गया क्लोजिंग रेट में। आज 3 रुपए की कमी के साथ मजीद डॉलर 275 पर आ गया। अब प्रॉपर रेट जो आएगा वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्लोजिंग रेट में हमें नजर आएगा। तो बहरहाल इसके आसार ये हैं कि डॉलर मजीद नीचे आएगा। कहते हैं ना, जब बारिश होती है तो उससे पहले बादल बनते हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, लोग कहते हैं जी बारिश का चांस बन गया है, और हमें ये चांस लग रहा है कि डॉलर नीचे आने वाला है। रात को एक बिजनेस ताजरों के ग्रुपों में एक मैसेज चल रहा था, अनऑथेंटिक मैसेज ही मैं इसे कहूँगा, क्योंकि जिसका कोई प्रूफ ना हो तो अनऑथेंटिक ही होता है, कि एक चीन ने 500 मिलियन डॉलर हमें दे दिए हैं, 800 मिलियन का वादा पूरा करेगा, सऊदी अरब वाले 2 अरब डॉलर, दुबई वाले 1 अरब डॉलर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मरे हुए घोड़े पर कोई रेस के ऊपर पैसे नहीं लगाता पाकिस्तान को IMF वाले, इसका मतलब हुआ कि किस देने वाले लग रहे हैं, जब ये सारे ममालिक हमें पैसे दे रहे हैं। और अगर IMF की किस भी मिल जाती है, सऊदी अरब, दुबई, चीन सारों के डॉलर भी आ जाते हैं, तो उम्मीद है कि डॉलर नीचे जरूर आएगा। आखिरी टाइम पे डॉलर को जो छोड़ा था वो 259 रुपए पर छोड़ा था इंटर बैंक में, वहां से उठकर 290 तक गया था। अगर हम 259 से बैक लगाएं तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा नहीं हम हवा में छोड़ते, 255 तक डॉलर आने का चांस लग गया है। अब चलते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में, सोने की कीमत, चांदी की कीमत और पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत। उसके लिए हमें चश्मा बदलाना पड़ेगा और नजर वाला चश्मा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरनेशनल मंडी में चांदी का रेट सबसे पहले पर आउंस $21 पर आउंस, 0.68 डॉलर पर ग्राम, $683 पर किलो चांदी आएगी इंटरनेशनल मार्केट में, $8 का 1 तोला चांदी आएगी इंटरनेशनल मार्केट में, $1856 पर आउंस गोल्ड आएगा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, 59.68 डॉलर पर ग्राम गोल्ड आएगा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, 59,678 डॉलर पर किलो सोना आएगा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, $696 का 1 तोला सोना आप परचेज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। इंडिया में 4922 इंडियन रुपीज़ का 1 ग्राम सोना, दुबई में 220 दिरहम का 1 ग्राम सोना, सऊदी अरेबिया में 225 रियाल का 1 ग्राम सोना, और कुवैत वाला भाई भी कहता था कि मुझे कुवैत के मुताबिक भी रेट बताया करें, हमें भी मालूम हो तो 18.18 डॉलर पर ग्राम कुवैती दिनार देंगे तो आपको 1 ग्राम सोना मिल जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। पाकिस्तान में अगर हम डॉलर के हिसाब से लगाएं कि 275 इंटरबैंक और 280 इंटरबैंक का सेलिंग रेट, तो उस हिसाब से 1,95,000 रुपया फी तोला सोना बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इन्होंने चार्ट है, मार्केट है $1852 और सोने का रेट इन्होंने खोल दिया है 1,97,000 रुपये में पीस दे रहे हैं, 1,96,300 रुपये में पीस की खरीदारी कर रहे हैं, 1,95,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 1,94,300 रुपये में रवे की खरीदारी होने लगी है। पर ग्राम देखें तो 16,800 का 1 ग्राम सोना आएगा, 1,68,000 रुपये का 10 ग्राम सोना पाकिस्तान के अंदर आएगा। अब जनाब एक हमारे दोस्त हैं सुरेश गोपाल साहब, बकौल उनके तजिए के मुताबिक कि इंटरनेशनल मार्केट आने वाले दिनों में डाउन नज़र आएगी, लेकिन मैंने जो अपना तजिया पेश किया था उसमें बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट 1860 से यानी ऊपर गई तो 1880-84 और फिर 1900 जा सकती है। अगर ये बैक लगाती है बकौल उनके कि 1825 तक भी मार्केट आएगी इंटरनेशनल मार्केट, तो चलो जी हम इधर ही चला रहे हैं। अगर हमें डॉलर नीचे आ जाता है, IMF की किस भी मिल जाती है, चीन वाले पैसे मजीद भी आ जाते हैं, सऊदी अरब वाले, दुबई वाले, कतर वाले सारे आ जाते हैं डॉलर, तो क्या बनेगा जनाब, फिर इसके ऊपर हम तजिया बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आज की मार्केट को फोकस करें। जो जो दोस्त कहते हैं कि हमें प्रॉफिट गेन हो रहा होता है तो आप बेशक माल निकाल दिया करें, और जो दोस्त कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा यानी हमें नुकसान में जा रहे हैं, तो फिर बेचने का फायदा नहीं होता।
ग्रुपों में मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, इससे और लोगों को भी फायदा हो ना। मेरे सब्सक्राइबर 10,000 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन और बढ़ने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।